बेसिक शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षा बैठक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सर्व शिक्षा अभियान के समन्वयक विवेक जायसवाल, दीपक पटेल सहित सभी खंड शिक्षा अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई तथा शासन द्वारा जारी प्रेरणा ऐप को डाउनलोड करने की जानकारी दी गई। बैठक के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए BSA BN सिंह ने कहा, जो आपकी टीम है जो सबको प्रेरणा ये बताना चाहता हूँ कि एक लेटर जाएगा BN साहब के सर से, अगेन सर से मैं लिखवाऊंगा, उसका जो URL सर्वर है उसको मैं आपके ग्रुप के माध्यम से भेज दूंगा उसको, ताकि वो जो आइडिया है जो बैठा था उसी में URL डाल दूंगा के मेंबर को डाउनलोड कर लेंगे। और जो रजिस्टर्ड इंस्पेक्शन है वो बहुत ईजी गोइंग है। पहला क्या है, उसमें आपको नामांकन लेना है, विद्यालयों के मार्क को लेना है। उसके बाद फिर आपको आना है कि अध्यापक कितने हमारे विद्यालय में है। जब आप स्कूल पे विजिट करेंगे स्कूल को सिलेक्ट करके वो इंस्पेक्शन पे बकायदे वो मॉडल्स आते जाएंगे हमारे यहाँ। और अलग अलग करके फोटो क्लिक करेंगे, जिससे ये उसके दरमियान कितने बच्चे हमारे पास थे, बच्चे नहीं है। इस रेमेडीज को इसे दूर करने के लिए जो भी चीजें हैं इसको ये करने के लिए ये लगाया गया उसके अंदर। फिर सेकंड ऑप्शन आता है हमारे अध्यापक उपस्थिति, अध्यापक में प्रधान अध्यापक का कॉलम है, उसके बाद उसमें कितने सहायक अध्यापक के कॉलम है, उसको आप लोगों को लेना है कि कितने अध्यापक है कितने नहीं है। अगर अध्यापक उपस्थित होता है तो सिंपली जस्ट क्लिक कर फोटो अध्यापक उपस्थिति पंजिका का, वो फोटो उस पर आ जाएगा। हाँ, प्रार्थना पत्र का अवकाश है तो उसको भी अपलोड उसमें किया जा सकता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है मैडम, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, किसी और दे रखा हुआ है। बहुत सरल है, ये बेसिक शिक्षा की बैठक है जिसमें 18 सदस्य DM साहब के नेतृत्व में होती है। समीक्षा बैठक है जिसमें कि विद्यालय में बेसिक शिक्षा में विद्यालयों में क्या काम हो रहा है, प्रेरणा ऐप के माध्यम से उसको लोड करना है, जिससे कि जो कुछ अन्य नहीं काम हुए हैं उसको भी केंद्र सरकार सीधे और राज्य सरकार सीधे संज्ञान लेकर के उस पर कार्य करें। जैसे जर्जर भवन है, बिजली है, चार दीवारी है, शौचालय है, बाउंड्री वाल अगर नहीं है तो अध्यापक सीधे उस पर लोड कर रहा है। प्रेरणा ऐप पर शुरू हो गया है, थोड़ा स्लो चल रहा है, और उसको संज्ञान में लेकर के वहीं से दे करके और उस पर पैसा भेजेगा जिससे कि विद्यालयों की प्रगति हो सके। मॉनिटरिंग करना है, जैसे अभी कल बैठक हुई थी सारे खंड शिक्षा अधिकारियों को, जितने टास्क फोर्स के 18 सदस्य हैं सब लोग अपने अपने मोबाइल पे, सबके मोबाइल पे प्रेरणा ऐप लोड किया गया। जब विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे तो स्वयं उसको अपने से लोड करके वो भेजेंगे जिसको सीधे केंद्र में देखा जा सकता है, और हम लोग अपना काम शुरू कर दिए हैं।